नमस्कार फ्रेंड, मौर्या ऑटो रिपेयर्स के नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे सामने अच्छी डिलक्स बाइक जिसमें टाइमिंग चेन का बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग साउंड आ रहा है। तो जैसा कि इसका जो साउंड है, इसका अभी हमने इसको चेक किया, इसका टैपेट वगैरह सब कुछ ही मतलब सब परफेक्ट तरीके से है और इसके टाइमिंग चेन से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ है। तो चलिए मैं पहले बाइक को स्टार्ट करके और मैं आपको आवाज़ को सुनाता हूँ। तो भाई से बोलूँगा, भाई स्टार्ट करें बाइक को। तो गाइज, इसका हमने हार्ड स्प्रिंग वगैरह सब कुछ लगा के चेक कर लिया है कि ताकि मतलब वो लूज ना रहे, लेकिन फिर भी टाइमिंग चेन इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसका हमने टाइमिंग यहाँ से खोल के ये ढक कैप उसको भी चेक कर लिया, बहुत ही ज़्यादा लूज पड़ रहा है। तो इसका क्या कारण है, इसको पहले कम्प्लीट हमें खोलना होगा, इसका टाइमिंग चेन का पूरा सेट, ये कवर मैग्नेट वगैरह सब कुछ ओपन करना होगा। इसको ओपन करके फिर देखेंगे कि इसमें आखिर इस तरह से प्रॉब्लम आया क्यों और इसमें क्या क्या हमें चेंज करना पड़ सकता है। तो चलिए फटाक से अभी मैं वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपको बाइक से संबंधित इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें इसका जितना भी है चैम्बर का बोल्ट, इसको हमें खोलना है। तो चलिए फटाक से मैं जितना भी है फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको खोल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हमने इसका खोला है और वही हमें देखने के बाद में क्या पता चल रहा है कि आप खुद देख सकते हैं कि अभी ये जो गरारी है ये वाली, इसको देख सकते हैं, जो टेंशनर को अभी यहाँ पे ऊपर छोटी वाली जो गरारी होती है ये देख लीजिए ऐसे किस तरह से बाहर पड़ा हुआ है। ये टाइमिंग चेन के ऊपर दबाव ना बना के ये साइड में बाहर खिसक आया है,
इस वजह से बाइक में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई टाइमिंग चेंज का, क्योंकि अभी जो मैं किलोमीटर आपके बाइक का जो दिखा देता हूँ कि ये किलोमीटर अभी बहुत ही कम चला हुआ है, अभी 30,000 किलोमीटर भी टोटल नहीं चला हुआ है, लेकिन टाइमिंग चेंज का इस तरह से जितना तेज़ी से आवाज़ ये कर रहा था मैं भी खुद हैरान था कि इतनी जल्दी, और ये भी टाइमली सर्विस हो रहा था, ये क्यों हुआ कैसे हुआ ये तो अब समझने वाली बात है कि आखिर में कैसे यह हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है अभी ये जो है इस पार्ट के ख़राब होने से, देख लीजिए किस तरह से ये टाइमिंग चैन का जो अभी है वो टेंशनर वाला जो गरारी है ये गरारी पूरी तरह से डैमेज कर दिया है, और ये इधर आके यहाँ पे टूट के ये जो टुकड़ा जो है एकदम से ये क्या इस तरह से हो गया है आप देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि इसका टाइमिंग चैन जो है अभी ये सही होना चाहिए, इसका जो ये पत्ती जो है इसका जो पत्ती है ये भी दोनों चेंज करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इसका पत्ती ये भी डैमेज कर दिया है, टेंशनर पत्ती जो आके टाइमिंग चेन के ऊपर हो रहा था, तो इसके लिए हमें टाइमिंग चेन के साथ में अभी तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा टाइमिंग चेन उसके साथ में, क्योंकि ये भी डैमेज कर दिया है घिसके इसके ऊपर, और बाकी जो है ये पार्ट जो है देख लीजिए किस तरह से डैमेज कर दिया है। उसके साथ में आपको यहाँ थोड़ा सा जूम मैं करके दिखाता हूँ, इस पार्ट पर अगर आपको दिख पा रहा हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, कि ये पार्ट जो घिस दिया है पूरी तरह से ये भी डैमेज किया है, तो इसी वजह से इस तरह से प्रॉब्लम आया। तो चाहे तो इसको हम ट्राई कर सकते हैं, ऊपर से भी घिसा हुआ है टाइमिंग चेन के ऊपर, हमें नहीं लगता कि इस तरह से इफेक्ट पड़ा होगा, लेकिन फिर भी हमें तो इसको अभी चेंज करना मांगता है कि नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम फिर से कर सकता है। तो चलिए मैं भाई से भी पूछूंगा, देखूंगा कि अगर जो चल जाए तो इसको मैं लगा के फिर ये वाला पत्ती चेंज करके फिर मैं अभी स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, क्योंकि अगर इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो मैं इसमें पैसे वेस्ट नहीं करूंगा, बाकी हमको क्या होगा कि उतना ही काम करना होगा, दोबारा से खोलना पड़ेगा इतने काम के लिए, बाकी उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो चलिए पहले मैं इसको अभी जो है यहाँ पे इसको जो है अभी चेंज करता हूँ, और मैं फिर और इस पत्ती को भी चेंज करता हूँ क्योंकि ये भी अभी चलेगा नहीं, ये दोनों पत्ती को चेंज करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये वहाँ पर प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं। तो गाइस चलिए 17 नंबर के अभी मैं इस गोटी की मदद से इसको मैं खोलता हूँ, इसको पूरी तरह से मैं ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि ये हमारा क्या होता है कि प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि उसको मैं चेंज करूँ, और लेकिन इसको तो चेंज करना ही पड़ेगा। टाइमिंग चेन को फिलहाल मैं अभी रहने देता हूँ, क्योंकि इस पत्ती को अगर मैं चेंज करता हूँ ये हमारा प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाता है तो हमें फिलहाल उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं इसको करता हूँ, इसको करने के बाद में हमें इसको खोलना है नीचे से, अभी 14 नंबर का यहाँ पे जो दिया हुआ है 14 नंबर का हमें गोटी की मदद से इसको खोलना है। देखिए चलिए मैं इसको करता हूँ, अभी यहाँ से खोल लेता हूँ, ये वाला बोल्ट खोलूँगा तो ये हमारा ये जो है नीचे चला जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने उसको खोला ये देख लीजिए किस तरह से क्या स्थिति हो चुकी है, इस वजह से टाइमिंग चेन की आवाज़ का इतना बड़ा प्रॉब्लम आया, क्योंकि ये जो है प्रॉब्लम ये बहुत ही ज़्यादा कर रहा था, इसका जो बहुत ही आवाज़ इसके आ रहा था, मतलब यार इससे मालूम पड़ रहा था कि यार टाइमिंग चेन एकदम से मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन ये गाड़ी में अचानक ऐसे चलते चलते ये आने लगा आवाज़। तो चलिए दोनों पत्ती को मैं लेके आता हूँ, इस पत्ती को भी और इसको भी, अभी ये छोटा जो है रोटर इसको लाता हूँ और फिट करता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा जो है दोनों जेन्युइन पार्ट है, छोटा गरारी जो है ये देख सकते हैं, इसका MRP जो देख सकते हैं 55 रुपये का टोटल पड़ा हुआ है, ये आपको अगर लेना चाहते हैं तो मार्केट में भी और वैसे भी आप जाएंगे एजेंसी पे आपको 55 रुपये का पड़ जाएगा अभी पुरानी पैकिंग में, बाकी नया डेट का जो आया हुआ है अभी रेट उसका बढ़ गया है सब। और ये जो है पत्ती जो है 40 रुपये का है, लेकिन ये छोटा पार्ट है लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला है, इस पार्ट की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम आई है बाइक में। बाकी टाइमिंग चेन ये समझिए कि टूटा नहीं है ऊपर से, और देखते हैं फिर अभी क्या होता है कि टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम में इसको सुधार हुआ कि नहीं हुआ, कि हमें पूरा कंप्लीट ही चेंज करना पड़ेगा, जैसा कुछ होगा मैं अपडेट आपको दूंगा वीडियो में। तो चलिए पहले मैं इसको फिट करता हूँ। तो देख लीजिए ये न्यू वाला पार्ट है किस तरह से एकदम से फिनिशिंग इसका अच्छा है, क्योंकि इसी के बीच में बैठता है ये देख लीजिए, दोनों साइड से ऐसे करके बिठाएंगे तो इस पर रोटेट होना चाहिए, ऐसे ये घूमता रहता है चक्कर, ये इसी से खिसक के नीचे आ गया था जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आया। तो चलिए इसको मैं कंप्लीट अभी यहाँ पे फिट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हमें इसको क्या करना है कि इसको हमें ऐसे करके यहाँ पे फंसाना है, तो इसके लिए आपको यह बोल्ट लगेगा 17 नंबर का, यहाँ पे ऐसे फंसाना है इसके बीच में,
और ये ऐसे करके जाएगा। तो चलिए इसको मैं टाइट कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए और ये बाइक के लिए। तो ये जो है ऐसे नीचे ऊपर करता है, यहाँ से जो है आपका टाइट करने का काम करता है। अगर ये चीज़ देख लीजिए कि इस तरह से प्रॉब्लम आए, इसी वजह से इतना सारा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से हमको इसका खोलना पड़ा, इसका मैग्नेट वैग्नेट सब कुछ खोलना पड़ा। देख लीजिए कि अभी टाइमिंग चेन अगर ना चेंज करना पड़े तो अच्छी बात है। बाकी इसका चलिए मैं इसको यहाँ से फिट करता हूँ। ये जो है गरारी इसके जो ऊपर आना चाहिए एकदम से, तो ऐसे करके ये प्रॉब्लम क्रिएट किया इसी वजह से कि जाके जो है ये अंदर नहीं गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये गरारी जो है इसके जो है टाइमिंग चेन के ऊपर एकदम से पहुंच चुका है। और नीचे से चलिए मैं यहाँ पे जो इसका जो है ये जो है आपका बांसुरी जो है, ये बांसुरी जो है इसको हमें लगाना है। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ। और ये पार्ट भी ख़राब हो जाए तो इससे भी प्रॉब्लम होता है, टाइमिंग चेन जल्दी जल्दी आवाज़ करता है। लेकिन अभी ये सब सही है, क्योंकि वो उसमें यही प्रॉब्लम था जो पहले जो मैंने दिखाया वीडियो में, इसका गरारी जो है एयर पत्ती जो कट गया था इसी वजह से। तो चलिए मैं नीचे से इसका पुसराड को अभी मैं यहाँ से लगाता हूँ, इसको पुसराड बोलते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से इसे डालता हूँ और नीचे से मैं यहाँ पे जो बोल्ट के साथ में स्प्रिंग लगा के थोड़ा सा मैं टाइट करके और मैं इंजन ऑयल वगैरह डालूँगा, फिर मैं दिखाऊँगा कि स्टार्ट करके कि कैसा इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो चलिए पहले हमें इसका फिट करना है गाइस। सबसे पहले हमें इसका जो है लूज स्प्रिंग को थोड़ा सा बढ़ा के लंबा कर लेना, खींच के ऐसे कर देंगे तो ये पुराना हो या नया हो ये काम करने लगेगा। तो इसको करने का इसको जो आप थोड़ा सा खींचने का कारण ये है कि ताकि इसको आप खींच देंगे तो इसके क्या होगा कि आपका टाइमिंग चेन थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो टाइट होगा, क्योंकि अभी ये पुराना जो है अभी टाइमिंग चेन जो है इसको मैं न्यू नहीं डाल रहा हूँ। तो इसको करने के बाद लिए आपको इस तरह से करना है। और नीचे आपका यहाँ पे जो 14 नंबर का बोल्ट टाइट होता है उसके साथ में वाइसर लगता है, तो वाइसर देके ही आपको बोल्ट टाइट करना है। तो इसको अच्छे से आपको टाइट कर देना है। तो इसको हमने टाइट कर दिया, इसके बाद में इस तरह से जो है ओ रिंग जो दिया हुआ है तो इस छोटा सा यहाँ पे भी लगाना है। ऊपर भी एक ओ रिंग लगता है जहाँ पे आपका जो है ये स्क्रू लगता है यहाँ पे कॉइल प्लेट का। तो इसको करने के बाद में इस तरह से आपको प्लेट लेना है। इस प्लेट को लगाने के लिए आपका ऊपर से आपका ओ रिंग दिया है, इस पर भी ओ रिंग के ऊपर से आपको रेसी बोन देना ताकि यहाँ पे लीकेज की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर यहाँ से आप अच्छे से नहीं पैकिंग देंगे तो लीकेज होगा। तो इसको आपको ऐसे फिट करना है एकदम सेंटर पे करके एकदम सीट पे। तो चलिए मैं इसको फटाक से कर लेता हूँ। इस तरह से आप दबा के करेंगे सीधे तो हो जाएगा। देख लीजिए हमने किया, थोड़ा सा ये क्रॉस हो गया इसलिए हमको थोड़ा सा खींचना पड़ रहा है। तो उसको खींच के फिर से हमें देख लीजिए इसी तरह से पुश कर देना एकदम सीट पे करेंगे, आसानी से बैठ जाएगा, कुछ भी इस पे बल देने की ज़रूरत नहीं। इसको करने के बाद में आपको फोरहेड स्क्रू ड्राइवर के मदद से आपको दो यहाँ पे स्क्रू इस तरह से दिया रहता है। तो इस तरह से स्क्रू जो दिया हुआ है दो स्क्रू लगता है, एक ऊपर एक नीचे, इसको दोनों को आपको ईजिली तरीके से आप टाइट कर लेना। तो स्क्रू ड्राइवर से चलिए मैं इसको टाइट करता हूँ। इसको आपको फुल टाइट करना, कहीं से भी आपको लूज नहीं छोड़ना है। और उसके बाद में आपको ध्यान देना कभी भी लीकेज की प्रॉब्लम आए तो इस तरह से ओरिंग जो अभी मैंने इस पर रेसी बोर्ड दिया उसको ध्यान देना है। और उसके साथ में जो आपको यहाँ पे शाफ्ट पे दिख रहा है ब्लैक ब्लैक करके, वो भी एक ऑयल सील है यहाँ पे और एक ये है, दोनों जगह पे ये जो है ऑयल सील लगता है। अगर वहाँ से लीकेज ना रहे नीचे से, ऊपर से अगर ऑयल आ रहा है देख लें तो ऊपर से आने पर, तो समझ लीजिए इन दोनों ऑयल सील को चेंज करके देखें और ये प्रॉब्लम आपका 100% अभी जब भी आए तो इसको सॉल्व हो जाएगा। कभी भी लीकेज की प्रॉब्लम हो तो इसी तरह से आप चेक करें, ऊपर पहले चेक करें, अगर ऊपर से आ रहा है तो आपको इस तरह से करना। तो चलिए इसका हमने गरारी वगैरह को फिट कर दिया, गरारी और इसका जो है सेल्फ चैन सब कुछ फिट कर दिया है। छोटे गरारी के ऊपर आपको एक लॉक दिया रहता है, इस लॉक को आपको देना अनिवार्य, नहीं तो क्या होगा कि ये आपका जब भी आप सेल्फ मारेंगे तो ये बाइक का जो है सेल्फ का जो गरारी है अभी ये जो बाहर फेंक देगा, तो जिससे क्या होगा कि प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए उसको हमने अच्छे से टाइट कर लिया, बजा दिया है उस तरह से नोक प्लस की मदद से। और उसको करने के बाद में आपको ये वाला जो है पत्ती लगता है स्टापर, ये जिससे क्या होता है नीचे वाला जो गरारी है वो बाहर के तरफ ना फेंके, वो एक जगह पे रहे। उसके साथ में आपको 8 mm का बोल्ट जो रहता है, तो इसके 8 नंबर की जो गोटी है उसको आप आराम से इसको आप टाइट कर सकते हैं उसी तरह से, जहाँ पे उसको 8 नंबर की गोटी से अच्छे से टाइट करना, जहाँ पे हमने दिखाया है इस वीडियो में दिखाए गए तरीके से ही आपको करना। कभी भी आप अगर आप मैकेनिक हैं या मैकेनिक नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। उसके साथ में आपको देख लीजिए यहाँ पे एक बड़ा वाला गाइड लगता है, ये जो है सेल्फ चैन का गाइड है, इसको गाइड को यहाँ पे ऊपर देना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो अगर जो भी आप सेल्फ का यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा मोटर जब भी रोटेट होगा तो चैन आपका बॉडी पे जाके टच होगा, तो इससे आपकी बॉडी का जो है अभी इंजन का
वो ख़राब हो जाएगा। तो उसको करने के बाद में आपको मैग्नेट को बिठाना है, नीचे उन पर दिया हुआ है, तो इसको आपको घुमा घुमा के, जिसे आपका सादी गाड़ी रहती है उसमें आप इजीली तरीके से सीधे रख सकते हैं, लेकिन इसको घुमा घुमा के करना है। ऐसे आप जब घुमाएंगे थोड़ा सा तो देख लीजिए कितने आसानी से, ज़रा से भी हमने बल नहीं दिया और ये अच्छे से बैठ गया। इस तरह से आपको करना है घुमा के और ये इजीली तरीके बैठेगा। उसके ऊपर से आपको एक वाइसर देंगे, 14 नंबर का बोल्ट यहाँ पे दिया रहता है, तो इसको आपको इस बोल्ट को अच्छे से टाइट करना है। और इस वीडियो में हमने ये भी दिखाया है कि अगर आपके पास स्टॉपर पत्ती ना हो, जहाँ से आप मैग्नेट को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, तो उसको आप किस तरह से कर सकते हैं। तो क्योंकि उसको करने में थोड़ा समय भी लगता है, हमने बोल्ट की मदद से आसानी से इस तरह से किया है, उस खोलते समय भी दिखाया है। बाकी इस तरह से आपको यहाँ पे घाट जो मैग्नेट पे दिया है वहीं पे आपको फंसाना है। बाकी अगर जो वहाँ पे लंबा जो बना हुआ है पट्टी, उस पे आपको नहीं करना, जिससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसी गलती नहीं करना है आपको, जहाँ पे हमने दिखाया वहीं जगह पे आपको दो घाट बना हुआ बिंदा बना है उसी घाट पे आपको फंसाना है। और 14 नंबर की गोटी लगा के उसके साथ में, या तो फिर आपके स्पैनर्स की मदद से किसी भी तरह से आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। उसको फुल टाइट करना है, सिर्फ आप कोई भी टूल यूज़ करें 14 नंबर का, लेकिन उसको अच्छे से करना है। तो चलिए उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैमरे को होल्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वहाँ पे सामने कैमरा रखा हुआ है इस वजह से थोड़ा सा समस्या हो रहा है करने में, लेकिन कोई नहीं, इसको मैं करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। इसको आपको वहीं पर घाट पर सिर्फ फंसाना है, आप उस पर मत जाइए कि किस तरह से हमारे साथ वो हो रहा है, क्योंकि मैं एक हाथ से अभी हैंडल पकड़ा हुआ और एक साथ से बोल्ट, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो निकल जा रहा है। लेकिन अगर आप करेंगे, कैमरा वगैरह नहीं रहेगा आपका झंझट, तो सिर्फ आप एक बार में फंसा के कर सकते हैं। तो चलिए इसको अभी मैं पूरा फुल टाइट कर लेता हूँ, क्योंकि लूज जरा से भी नहीं छोड़ना है हमको। तो इसको हमने देख लीजिए अभी अच्छे से टाइट कर लिया है। तो इसी तरह से आपको टाइट करने के बाद में इसके ऊपर आपका देख लीजिए अभी ये कम्प्लीट हो चुका है, इसके ऊपर पैकिंग आपको देना है। इस तरह से पैकिंग के ऊपर आपको रेसी बॉन्ड और कोई बॉन्ड नहीं लगाना है। कभी भी अगर आप चाहते हैं तो अच्छा लाइफ बनाने के लिए उसका, तो आपको क्या करना है कि उसका जो अभी है अभी, तो उसका जो है पैकिंग के ऊपर ग्रीस देना है। ग्रीस अगर आप देंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, चिकनाई रहेगा, जिससे क्या होगा पैकिंग गिरेगा नहीं, नीचे ऊपर नहीं होगा और छोड़ेगा भी नहीं, और अच्छे से चिपक जाएगा, जिससे अगर दोबारा कभी खोलना पड़े भविष्य में तो वो फटेगा नहीं पैकिंग, आपका पैकिंग का जो है अभी नुकसान होने का चांस नहीं रहता। तो इसको आपको कुछ इस तरह से आपको पैकिंग को करने के बाद में चैम्बर को फिट करना है। तो चैम्बर को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अभी देखिए फंसता है, तो इसको आपको करने के लिए थोड़ा सा लीवर को नीचे पुश करके देख लीजिए इस तरह से, और अंदर चैम्बर को डाल देना है। बाकी अगर ज़्यादा फंसे तो आप इसको नीचे का लीवर भी खोल सकते हैं, 10 नंबर का बोल्ट लगा रहता है। तो चलिए इसको मैं अभी यहाँ पर फिट कर दिया हूँ इस तरह से ठोके बिठा के। उसके बाद में जो यहाँ पर जो दिया हुआ है देख सकते हैं न्यूट्रल का वायर, उसके न्यूट्रल के वायर पे वहाँ पे देख लीजिए वहाँ पे बीच में होल रहता है, उसी के बीच में इसे थोड़ा सा वाइसर के दबा के इसे डाल देना है, वहाँ पे अच्छे से बैठ जाएगा। वहाँ से बिठाने के बाद में आपको चार बोल्ट यहाँ पे 8 mm का दिया रहता है, एक बड़ा रहता है, सबसे बड़ा बोल्ट नीचे ए वाला है जो हमने अभी लगाया है। उसके बाद में ये जो है अभी थोड़ा सा उससे छोटा रहता है, और ये दोनों बोल्ट एक समान रहता है, इसको किधर भी लगा सकते हैं आप। यहाँ पर 2 बोल्ट लगता है, मतलब टोटल 4 बोल्ट लगता है मैग्नेट के अंदर इस बाइक में, जो स्प्लेंडर प्रो, स्प्लेंडर प्लस, और ये जो अभी सेल्फ वाली मॉडल है, जो भी एसएफ डिलक्स वगैरह सब में उसी तरह से है, सभी एक समान होता है। और उसके बाद में हमें वायरिंग दे के इसको वायरिंग अच्छे से करना है, तो इसको हमें वायरिंग को फिट कर देना है। एक अभी पिकअप कॉइल का है ये वाला, और बाकी जो है लाइटिंग का है जो नीचे दूसरा जो कपलर है। बाकी इस वीडियो में आपको, हमें उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छे सीखने को मिला होगा। अगर आप मैकेनिक नहीं है तो भी आप इस वीडियो को देख के कंप्लीट, अगर आपने इसको वीडियो को देखा होगा तो आपको कहीं पे भी डाउट क्लियर नहीं रहेगा, किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं, पूरा आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं बाइक को अभी स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ उसका साउंड कैसा है। तो गाइस हमारा ये बाइक अभी कम्प्लीट हो चुका है, तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करके मैं आपको साउंड थोड़ा नज़दीक से करके सुनाता हूँ। आप देख लीजिए कितना कट 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 करके कर रहा था, अभी हमारा एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ और सुनाता हूँ आपको। तो गाइस हमारा ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुका है, तो आई होप इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी बाइक से संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।